डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, वीडियो टॉपिक है, वो है CS202 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का मतलब है काल्पनिक रूप से मेमोरी। मेमोरी की साइज़ है वो फिजिकल साइज़ तो उतनी होती है, जैसे मान लो 2 GB की मेमोरी है, 4 GB की है, लेकिन वो लगता ये है कि 20 GB का प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हमें ये लगता है कि उतनी मेमोरी है, लेकिन मेमोरी उतनी होती नहीं है। अब इसमें क्या है कि ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ लिया जाता है या ये कंप्यूटर कैसे यूज़ लेता है। तो देखिए, वर्चुअल मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि CPU जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोसेसर के अंदर आपको वर्चुअल मेमोरी के डेटास, यानी यहाँ पे ये लॉजिकल मेमोरी एक टाइप से है, उसके एड्रेस वगैरह यहाँ पे होते हैं। उसमें यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे पेजेस या सिगमेंट्स आपके जो एग्जीक्यूट होने हैं वो आ गए, लेकिन वो अगर यहाँ पे मेमोरी मैप में जाके उस फिजिकल मेमोरी को यूँ कहता है कि भाई ये फिजिकल डेटा यहाँ पे मेरे को लाना है, तो वो अगर पेज या सिगमेंट यहाँ नहीं मिला तो ये फिजिकल मेमोरी से लाएगा। फिजिकल मेमोरी में नहीं मिला तो सेकेंडरी मेमोरी से वो यहाँ जो नहीं है उसको लाना है और यहाँ जो है उसको हटाना है। तो वो उस जब उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा उस पार्ट का प्रोग्राम के, तो वो स्वेप आउट होके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा और जिसकी ज़रूरत है उसको अकॉर्डिंग टू डिमांड उसको स्वेप इन कर दिया जाएगा और वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो जो प्रोग्राम के पार्ट्स एग्जीक्यूशन के लिए आने हैं वो स्वेप इन होंगे, जिनकी ज़रूरत है वो स्वेप आउट हो जाएंगे, तो हमें ये लगेगा कि कम्प्लीटली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बाकी आप रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे तो चित्र में उसके फिगर में आपको कम्प्लीटली पता लग जाएगा और क्लास में भी आपको बता दिया जाएगा। अब वर्चुअल मेमोरी के अंदर दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, काम करती है, डिमांड पेजिंग और सिगमेंटेशन। डिमांड सिगमेंटेशन, पेज का डिमांड करते हैं कि जो पेज एग्जीक्यूट होना है या उसको चाहिए CPU को, वो पेज नहीं है तो वो डिमांड करता है। डिमांड करता है तो वो या तो फिजिकल मेमोरी में मिलेगा या सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है। फिजिकल मेमोरी में पड़ा है तब तो वो ले लेगा, नहीं पड़ा है तो वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एड्रेस वगैरह जनरेट करके या सेकेंडरी मेमोरी से वो स्वेप आउट हो जाएगा। जो पेज काम नहीं आ रहा वो स्वेप आउट होगा और जो पेज की ज़रूरत है वो स्वेप इन होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे डिमांड पेजिंग के एल्गोरिथम्स हैं जिनके बारे में आप बुक्स में देखें और आपको और भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। डिमांड सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन पेजिंग की साइज़ सेम होती है लेकिन सिगमेंटेशन जैसे एक रूटीन है, सब रूटीन है या एक फंक्शन है, वो जिस साइज़ का है उसका उसकी एक साइज़ होगी, दूसरा फंक्शन है मान लो वो छोटी साइज़ होगी या और कोई पार्ट है वो अलग। तो ये सिगमेंट अलग अलग साइज़ के प्रोग्राम्स प्रोसेस जो होते हैं उनकी भी। तो पेज में क्या होगा कि अगर आपके पास पेजेस पड़े हैं ABCD XYZ, अब आपको इसके अलावा XYZ तो नहीं चाहिए लेकिन आपको चाहिए ये फिजिकल मेमोरी में, और ABCD पड़े XYZ लेकिन PQR चाहिए सपोज़ कीजिए, तो वो आने हैं तो यहाँ पे क्या होगा, PQR की डिमांड करेगा और ये तो वापस चले जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी में स्वेप आउट, और ये यहाँ से जो जरूरत है वो आ जाएंगे। तो ये डिमांड पेजिंग हो गया। डिमांड सिगमेंटेशन में क्या है कि सिगमेंट्स हैं अलग अलग साइज़ के, और यहाँ पे सिगमेंट टेबल होगी जिसमें लिमिट और बेस एड्रेस होंगे, उस लिमिट और बेस एड्रेस के अकॉर्डिंग ये जो फिजिकल मेमोरी होगी वहाँ पे ये आपका सिगमेंट्स यहाँ स्टोर होंगे, फिर CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आपका डिमांड सिगमेंटेशन हो गया। तो इसको आप टेक्स्ट बुक्स वगैरह में देख के और डिटेल में देख के आप पढ़ सकते हैं, और साथ में हिट पेज, हिट रेशियो, ये सिंपल सी है कि पेजिंग, पेज मिल गया तो उसका हिट हो गया, नहीं हुआ तो मिस हो गया, तो हिट रेट मिस रेट, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये आप ध्यान रखिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कुछ ऐसा आते हैं कि हिट रेशियो, हिट रेट क्या है और इस टाइप से, ये तो आपकी क्लास जब लगेगी तो उसको एग्जीक्यूट ये चीज़ें हम करके और इसको और आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, और आप जो पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह उसमें से देख के आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।